नहीं तो लड़का चोटा दे, चोट ना लगे भाई, किसी को चोट ना लगे भाई। बस ले अब ये वीडियो बना, भागो ना, ले ले बच्चा सब हो गए, सब हो गया ना, ये अब बड़े बड़े लोग सब, बड़े बड़े लोग, बड़े लोग आ भैया कहाँ का बउआ, आ जाओ आ जाओ भैया, देखो प्रसाद है भाई, बाबा भाई सब लोग हमको सबको मिल जाए नहीं, बंदे अंकुल हम भागो भैया मत करो, ए रोहित इधर भी आ रो, हटो यार, सभी को प्रसाद मिलना चाहिए, आओ भैया आरिषि लिखा, आज यहाँ पर चूँकि हमारे जन्मदिन पर जो जज साहिबा हैं उनके पति जी राकेश श्रीवास्तव लखनऊ से आए हुए हैं, हम लोग फुरसतगंज आए, फुरसतगंज से बेतौरा, बेतौरा से मझदा, फिर ये बनपुरवा गांव है और यहाँ आगे टेकारी है, अब हम लोग इधर से रायबली जाएंगे, तो आज के जब हमारा जन्मदिन होता है या उनके सुपुत्र जो पार्थ हैं, पार्थ जी उनके जन्मदिन पर हमारे राकेश जी मनों में मिठाइयाँ बांटते हैं, मनों में काले मुंह के बंदरों का भोज कराते हैं, लाल मुंह मिले काला मुंह मिले कोई मिले, तो हम लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं भोज करने के लिए, इसलिए कि इससे उनको बड़े बड़े लाभ दिखाई पड़े हैं, हमारा जनता से ये कहना है कि हनुमान जी के वंशज जो हैं ये हैं काले मुँह वाले, ये पत्थर के हनुमान को हाथ जोड़ाओ बाकी ना वहाँ मिठाई मत चढ़ाओ, वो पत्थर के हैं हनुमान जी खाएंगे नहीं, तो अगर आपको खिलाना है तो कैमरा लाइए, हम बताते हैं कि किसको खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, ये सबसे बड़े बच्चों को खिलाओ, बंदर को खिलाओ, ये हनुमान जी की ही पूजा है, असली पूजा है, लेकिन असली पूजा ये बाबा लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर आपने बच्चे को दे दिया तो बाबा को क्या मिला, सही बात, आपने बंदर को दे दिया तो बाबा को क्या मिला, तो ऐसे बाबाओं को मिट्टी के तेल डाल के माचिस लगा देना चाहिए, फूंक देना चाहिए, बने हैं बाबा, अरे बाबा का मतलब सेवा करो, गाँव में जितने मरियल जानवर हैं ना उनकी सेवा करो, दिन भर गाँव भर के जानवर को चराओ जाके, शाम को बाबा तेरे पास रोटी चल के आवेगी, है ना कायदे की बात, हर घर से एक एक आधी आधी रोटी अगर आ गई तो बाबा का मतलब है सेवा करना, लेकिन हमारा अंधा समाज चौरा देवी भवानी कौन देवी कौन, सेवा ही देवी है, यही भवानी है, यही भगवान है, यही इनके अंदर आत्मा है, इनके अंदर कोई एक से एक महात्मा भी हैं, इनको हम संस्कार नहीं देंगे तो ये चोर और डकैत भी बन जाएंगे, हम इनको अंदर संस्कार डालेंगे तो ये महात्मा बन जाएंगे, अगर हम लोग आइए बताइए जो मिठाई प्रसाद बांट रहे हैं लखनऊ से आते हैं, उनकी औरतें जो हैं वो जज साहिबा हैं, सिविल जज, अब वो लोग आते हैं कभी हमारे नाम से कभी अपने बच्चों के नाम से बांटते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बाल भोज कीजिए, बानर भोज कीजिए, कोई भी संकट अगर आपका चल रहा है वो कम पड़ जाएगा,
और अगर कोई संकट आने वाला है तो नहीं आवेगा, ये हमारे जीवन भर का दावा है। कितने दिन से हम आते हैं ना, आप लोगों की याद होगा, एक जमाना बीत रहा, हम कोई यहाँ है लखनऊ रायबली के बॉर्डर पर जाते हैं, भौंरेश्वर है वहाँ, हमारा काम है यही है कि लोगों से कहते हैं कि महाराज हमका एको पैसा न चाहिए, आप बंदर का खिला दो, आप बच्चों को दे दीजिए तो हनुमान जी की कृपा होगी। तो हमारे जेब में पैसा कहाँ से आता है मैं नहीं जानता हूँ, कैसे आता है, बाबा के साथ चमत्कार होना चाहिए। बाबा का काम यह नहीं कि लाओ लाओ लाओ, बाबा का लेना काम नहीं है, बाबा का काम है देना। अब हम अभी जबकि हम पंडित बिरादरी के हैं और बाबा भी हैं, तो उनसे कहे कि अरे सेठ जी ये डिब्बा जौन है तो हमका लाओ, और रास्ते में दूचा लौकन का हम बांट दे और सारा डिब्बा धल दे। तो मेरा नहीं, हम पंडित भी हैं, हम बाबा भी हैं, तो हमारा मतलब है कि नहीं, अगर हम पंडित हैं, अगर हम बाबा हैं, तो हम लोगों की सेवा करवाएंगे, हमारा काम अपने आप चलेगा। अभी सिविल जज साहिबा हैं, पैर छूटी हैं, गुरुजी कहती हैं हमारे कहे पर ये बन परवा और मुंशी का परवा भटक रहे हैं, कुछ हमारे लगे दम है तब तो है, हमारे लगे दम न होते, अरे आला हाकिम है, बाप रे बाप, सोचो सिविल जज, ये लोग राजा की नौकरी है इनकी, चाहे अरबपति आदमी खरब, चाहे जितना बड़वार में नहीं हुए, अगर कोई मामला मुकदमा हुई तो इजलासे में तो ठाड़ हुई, कचहरी में जाई और हुआ, ये लोग राजा के गद्दी में बैठ, ये लोग बैठक, ये मतलब यही चमत्कार है। अपने आप खाना मिल के आएगा, कोई गांव में बाबा आवे उससे कहो महाराज ये गांव भरे के हरा बकरी चराव जाए, बकरी हुए चाहे गैया हुए चाहे भैंसी मौसी हुए चाहे बकरी बहन हुए, वो सब जीव आए, सबके सेवा करो। संझा का तुम्हें लगे इतना खाए के आ जाएगी तुम खा न पाए, और करो मंदिर में रहो वहाँ झाड़ू उलू लगाओ दिया बाती करो, तुम्हें लगे कपड़ा ना हो तो कपड़ा मिल जाए तुमका, तब तो आए बाबा, ये बाबा का नहीं कि गांजा के दम लग रहा है, कूटी कौन कूटी, वो बाबा जी कूट रहे बैठ के हुआ या कूटी पूटी कोई, अब जमाना देखिए बदल गया है, सेवा परमो धर्मा। हमारी बिरादरी ने कभी किसी जमाने में इस चीज़ को छिपा दिया, सेवा को हटा दिया, कहीं पूजा करो हनुमान जी पर चढ़ाओ, तो हनुमान जी तो खई है ना, सब हम ही तो पेलब बैठे, ये मेरा अंधा समाज है। और खास करके हमारे यहाँ की महिलाएं का पूछना, अब राख खोख लगा लिए सांप मार दारू पी लिए आँखी लाल लाल, मेहरारू कहीं है असली बाबा है, हाँ घबराई है वही का देख के, और बाबा असली कह रहा है कि अरे बिटिया अरे बहनी चींटी खवा दो, कोनो हरहा गुरु बीमार हुए क्या सेवा कर दो जाके, तुम्हार हुए चाहे कोई के हुए, कोई सेवा करे में इनकार ना करी, बूढ़े के जायो जवान के लगे जई हो तो गांव में कहीं देखो हमें हरा का कुछ खवा कौन टोटका क्या ही दे, तो जवान जानवर के लगे मत जाओ, जब मरियल हुए तो कोई ना मना करी, पीपल का पेड़ लगा दो, ये सारा काम है। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से हम जुड़ गए हैं, कभी उनको हम लेके आएंगे यहाँ, योग के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, बाबा रामदेव के तरफ से वो लोग हैं वो आवेंगे यहाँ पर। तो रत्नेश्वर सिंह हैं, एक डॉक्टर साहब हैं आरपी सिंह, वो भी कभी आएंगे, वो मुफ्त में आप लोगों को सलाह दे देंगे, बहुत बहुत गरीब हो चुके दवाई दे दे हैं, और बाकी यहाँ योग सिखाएंगे, योग कि ऐसे सांस लो यह करो वह करो 10-5 मिनट करो, उससे आपके बड़े काम बनेंगे। तो हम उन लोगों को लेके हम उनसे भाई सिफारिश करेंगे कि साहब आपको बनपुरवा चलना है, तो रत्नेश्वर सिंह है महाराजगंज रायबरेली में एक जगह है वहीं के रहने वाले हैं, डॉक्टर आरपी सिंह हैं, अब उनसे हो सके तो 1 महीने के अंदर अंदर ही है ना, पूरे गांव को बच्चों को बता दिया जाएगा, तो अगर आप लोगों को तरीका बता दिया गया तो कोई बच्चा जल्दी बीमारे ना हो जान देवा। तो अब हम वाणी को विराम दे रहे हैं, और हम जो कहते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है, कोई गलत बात तो नहीं है, कोई मेरा स्वार्थ तो नहीं है, जब भगवान आ गए, जब भगवान ऐसा काम करेंगे तभी आप हमको भगवान कहोगे, और यही कोनो ठग विद्या करे तो धीरे में कटू करिए हंसने के बाबा घूमा कर कहते हैं ना, कोई ना कोई ना, तब ये होता महाराज।
कहीं हम जाते हैं लोग जानते हैं कि इन बाबा आए हैं, जैसा देखो सब चरण छुए लागत अपने आप है। तब कोई देता है तो मैं लेता नहीं हूँ, नहीं साहब हमको अपने आप, हम जिसका काम कर रहे हूँ हमको दे रहा है। अरे बड़े बड़े महारथी हमें चेला बने हैं तो हमका जरूरत हुई हमका दे हैं, तुमसे काहे ले। लेकिन कहीं कथा हो समझ रहा जाओ, बेतौरा जाओ कालीन जी के मंदिर में देखो चढ़ावा चढ़ रहा है, ले ले नहीं लेना चाहिए। हाँ बेतौरा में एक चीज़ हमको अच्छा लगा कि वहाँ बच्चे बहुत आते हैं। अच्छा बेतौरा में जो ने भोज भंडारा होट है तो ये बच्चे लोग यहाँ के कुछ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, दूर पड़ता है, दूर पड़ता है। ये छोटा गांव है इसलिए बच्चे कम, बच्चे कम है तो बड़ा गांव नहीं। हम आते रहेंगे और जल्दी आएंगे, उनको भारत स्वाभिमान ट्रस्ट यानी बाबा रामदेव के वो लोग खास आदमी हैं, वो आके मुफ्त में बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या करना है, तो आपको आपका काम बहुत बन जाएगा। संकट मुसीबत के लिए हम नहीं क्या बताए, कौनो मुसीबत संकट हुए तुम बांदर खवाए रहो, एक मुट्ठी गेहूँ खिलाओ, आधी मुट्ठी खिलाओ, कुछ नहीं तो चींटी खवाओ, कुछ तो करो भाई, सेवा करो ठीक। तो हम अरे बस 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 काहे बच्चा काहे लिए वो खेला, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं ठीक है। मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, शाम का समय है करीब करीब 6 बज रहे हैं, और कुल मिला करके चूँकि यहाँ बंदर इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ ये पाल लोगों का गांव है ना, है तो पाल तो खैर हमेशा बुद्धिमान रहा है, पाल हमेशा बुद्धिमान रहा, तो पाल लोगों का गांव है यहाँ पर आज आज हमेशा। अब तो हमको अब हम अब ऐसी जैबे ना करें, सीधे रायबली से अबे ये आ जाइबे, अगल बगल तो मिलेंगे ही है कि नहीं, यहाँ गांव आ गए मालो हिया नहीं तो बगल के बाद में मिली है। अच्छा पंडितन के गांव में, अच्छा अच्छा। अरे हिया हम लोग जैसे मालो सवेरे आ गए तो बोझ लाद करके जौन जौन गांव बचे हुए हुआ हुआ चले जा, अच्छा उधर आधे उधर चले गए बंगा, अच्छा दरियागंज के पास बस इतने में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग सवेरे आई तो ज्यादा अच्छा, सवेरे ठीक रहा, आज हम सवेरे आवार रहे लेकिन आज पानी बरसत रहा, तो हो रहा है बाबा ही है। हम यहाँ कई बार आ चुके, यहाँ तो कई बार आए हो। मैं वाणी को विराम देता हूँ, आज की तारीख है 15 मार्च 2015, ये बनपुरवा है पाल लोगों का गांव है, और मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कैमरा बंद हो जा रहा है, अब तुम लोगों का आशीर्वाद लेना तो ले लियो ही लगे जैसा, सब जने आ जाइए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो अच्छी बातें तुम लोग सीखो बेटा, है ना, धर्म का काम सीखो, ये ज्यादा बाबा ओबा के चक्कर में मत घूमो। बाबा जो बाबा मांगे कहो, बाबा तुमका तुमका सीधा तो मिली, पिसान तो मिली, लेकिन ये पहले गांव के जौन हरहा है इनके नहीं, इनके पहले इनके किलना चपटा बिनो जाए, इनके किलना और चपटा बिनो और दिन भर यही करो, और संध्या का तो शाम का पूरे घर से तुमका खाए के मिले, और अगर तुम सेवा नहीं कर सकते तो फिर तुम बाबा नहीं हो, तुम ही फिर ये दोबारा महाराज गांव में ना आयो, नहीं मारे गुम्मन के तुमका मार डाल। हाँ ठीक है, जैसे है ना भैया कायदे की बात, बाबा का काम है सेवा करना। मैं रायबली से आया हूँ बंदर खिलवाने, बच्चों को प्रसाद बटवाने, ये तो काम हुआ। अब यहाँ हमारी यहाँ बच्चा बाबा जी आओ चरण छुओ और 5-5 रुपया दाओ, 2-2 रुपया दाओ, तब वो बाबा ना आए। बाबा को मांगना ही नहीं चाहिए, बाबा को सेवा करना चाहिए, अपने आप बाबा के पास चल के आवेगा। बड़े बड़े महारथी हमारे चेले काहे बन गए, तो हमारी सेवा को देख के कोई बाबा से कुछ लेता नहीं है, सब मजा आ गए। अरे मजलाहा में राम सिंह के यहाँ एक राम सिंह के गांव के बगल में एक रहा, उधर वह आदमी के छो गैया दिलवावर है, उनके सिंह वगैरह टूट गई रही, अच्छी खासी गाय रही, कुछ दिन में पता लगा कि कहीं ना तो मर गई। अरे हम मर गई तो बताए के रहे कम से कम, ये होता है कुल मिला के तो सेवा न कर पाएंगे। सही बात, मतलब वो खाने पीने वाली के सही बात, तो ये गांव का नाम बनपुरवा है। हाँ, अच्छा
ठीक है बहरहाल सीधे यहाँ हम लोग आ जाइए, अगल बगल तो मिलने जाइए है ना, यहाँ नहीं तो जौन कौन गांव के नाम बताए सब सब अगल बगल। अच्छा ये बताओ मुंशी की परवा भी आगे बगले में है? अरे तो फिर ये अड्डा है, अड्डा है। ठीक है जय हो।